थैंक यू सर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 237। यस सर। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम बलवंत सिंह है, मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैंने अपने गांव से 10वीं और 12वीं क्लास किया, उसके बाद इंजीनियरिंग किया है कलकत्ता से। अभी एक प्राइवेट कंपनी में मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहा हूँ। और आपने मैरिन इंजीनियरिंग किया? यस सर। अच्छा, फिर आपने ये नहीं बताया कि MMD कलकत्ता से MEO ये क्या? यस सर, ये हमारा प्रमोशन के लिए एग्जामिनेशन होता है सर, MMD मर्केंटाइल मरीन। तो आप मर्चेंट नेवी में हो? किस में? मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहा हूँ सर। तो ये मर्चेंट नेवी में तो बहुत अच्छी सैलरीज हैं। यस सर। तो फिर क्यों आ रहे हो यहाँ सरकार की बंधी हुई तनख्वाह में? वहाँ तो बहुत घूमने का भी बहुत है और बहुत अच्छे स्किल्स हैं मर्चेंट नेवी में तो। हाँ सर, मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं और मैंने बहुत कुछ घूम तो भी लिया है। क्यों आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? इसके पीछे ये है सर कि मर्चेंट में नौकरी ऐसी होती है सर जहाँ हम 6 महीने के लिए समंदर में रहते हैं और एक बार जब शिप सेल करता है तो वो 10 या 15 दिन के लिए सेल करता है, तो उस टाइम कम्युनिकेशन घर से और मतलब अपने माता पिता से हो नहीं पाता है। अगर होता भी है तो उसमें भी सर कॉल ड्रॉप की और ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, और अगर घर वाले इतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं तो घर से अगर फ़ोन करना चाहें सैटेलाइट फ़ोन से तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है सर, छोटी सी प्रॉब्लम जो मेरे को प्रॉब्लम लगती नहीं लेकिन मेरे घर वालों को लगती है, दूसरी ये है कि अगर आपको घर आना पड़ा इमरजेंसी में और आपका शिप अगर मिड सी में है तो आपको 10-15 दिन बाद ही मौका मिलेगा घर आने का। मेन कारण ये है? मेन कारण ये है। और दूसरा ये है सर कि फिर घर वालों के बोलने के बाद मैंने भी सोचा कि मुझे जॉब चेंज करना चाहिए, तो फिर मैंने ये वाला जॉब सेलेक्ट किया क्योंकि सर इसमें और उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। आप वैसे किस पोस्ट पे हो वहाँ पे? सेकंड इंजीनियर। सेकंड इंजीनियर मर्चेंट नेवी में ना? यस सर। कितनी तनख्वाह मिल जाती है? मेरे को तनख्वाह मिलती है सर $7,300 जो कि 5 लाख के आसपास होती है महीने की। महीने की? यस सर। मेरा इसलिए मैंने पूछा आपसे, हर आदमी सरकारी नौकरी की तरफ भागना चाह रहा है। यस सर। आपके पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, घर से दूर हो इसलिए आप यहाँ आना चाहते हो। यस सर। आपने काफ़ी सर्विस भी कर ली है, अर्न लॉट ऑफ मनी। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? अपना काम करिए, मेक इन इंडिया स्कीम आ रही है, आपको अपना धंधा लगाओ जिसमें लोगों को एम्प्लॉय करोगे। इस नौकरी में कहाँ रहे हो जैसलमेर बाड़मेर में? सर इस नौकरी में एक तो ये मिलता है, जैसे मेरे को वो नौकरी छोड़ करके एक रोजगार चाहिए यहाँ रहने के लिए। हाँ। तो रोजगार इस नौकरी में है। दूसरी चीज सर इसमें सोशल वर्क भी कर सकते हैं, समाज की सेवा की जा सकती है। बिजनेसमैन बहुत कर सकता है यार, जितना वो कर सकता होता सर्विस वर्क, लिमिटेड सैलरी है मैं कहाँ से करूँगा। बिल्कुल सर, पैसे से सर्विस होती तो सर मैं अभी जो मेरी सैलरी। आप बिजनेस क्यों नहीं करना चाह रहे, इसमें क्यों आना चाह रहे? सर बिजनेस मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं है सर? इंटरेस्ट। अच्छा चलिए, आपने सोशल वर्क लिखा है, क्या किए अभी तक सोशल वर्क? सोशल वर्क बहुत छोटे छोटे वर्क किए सर मैंने, जैसे मैं मर्चेंट में नौकरी करता हूँ तो 3-4 महीने मुझे घर पे रहने को भी मिलता है, तो उस टाइम मैं मेरे गांव में बैंक है सर, उस बैंक में जब नरेगा में काम करने वाली औरतें जब आती हैं तो उनको किसी को स्लिप भरना नहीं आता, अंगूठा छाप होती हैं सब, तो उनका वहाँ बैठ के स्लिप भर देता हूँ कभी। नरेगा का पूरा नाम क्या? सर मनरेगा है अभी, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छता अभियान की बात की। यस सर। आप सहमत हो? यस सर सहमत हो। आप SDM हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, आपने घर में डस्ट कूड़े वाला आता है सुबह अपना कूड़ा ले जाता है? यस सर। जो भी वो आती ट्रॉली आती ले जाती है, मोहल्ले के सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपका पड़ोसी जो है वो उसमें कूड़ा नहीं, उसको नहीं देता, वो सामने खाली प्लॉट है पार्क के बगल में वो वहाँ फेंक रहा है। अब आप क्या करोगे? पड़ोसी धर्म है और इधर वो कूड़ा बाहर फेंक रहा है, क्या करोगे आप इसके लिए? सर उसको समझाएंगे, इसके फायदे समझाएंगे कि कचरा फेंकने से, यहाँ फेंकने से क्या नुकसान हो रहा है, और एक जगह अगर इसको ढंग से फेंका जाए या कचरा वाले को दिया जाए तो... वो नहीं मानता, वो झगड़े पे उतारू हो गया, तो पड़ोसी से फिर झगड़ा करूं मैं, क्या करूं? वो कंप्लेंट करूं, क्या करूं उसके लिए? झगड़ा तो उससे नहीं करना चाहिए सर, उसको एक दिन समझाएंगे, 2 दिन समझाएंगे, और उसको जब समझाते ही रहेंगे तो एक दिन सर उसका भी ब्रेन वॉश होएगा और वो भी समझेगा कि इसकी प्रॉब्लम्स हैं। सब लोग जब डाल रहे हैं तो कोई ना कोई कारण है कि ये सब लोग डाल रहे हैं, उसको डराएंगे कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो उसके मन में एक भय व्याप्त होगा और उसके तहत वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो कचरा उस ट्रॉली में डालेगा। आपकी शर्ट बहुत स्मार्ट है यार, स्मार्ट है ना, पर एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि सबकी पॉकेट लेफ्ट साइड में होती है, आपकी पॉकेट राइट साइड में क्यों है? लेफ्ट साइड में ही है सर मेरी पॉकेट। लेफ्ट में ही है? यस। श्योर? श्योर। लेफ्ट में क्यों रखते हैं, राइट में क्यों नहीं बनाते? राइट हैंड बड़ा इजीली जाता है सर इससे।
और अगर कोई राइट हैंडर हो, लेफ्ट हैंडर हो, तो फिर उसके राइट में बना में सर बनाई जा सकती है, क्योंकि उसको बनाई जानी चाहिए कि नहीं बनाई जानी चाहिए? बनाई जानी चाहिए सर, सबको अधिकार है। यार आपको देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं एक चूरू की उस शख्सियत मेरे को याद आ रही है, आप दोनों का कनेक्शन बड़ा अच्छा बैठ रहा है, आप है वो चूरू के हो और आपने कलकत्ता के अंदर कुछ काम किया है, ऐसी कौन सी शख्सियत थी जो कलकत्ता के अंदर भी रही जिसने चूरू का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन कर दिया? सर ये जो लेखक थे अपने कन्हैयालाल जी सेठिया, ये कलकत्ता में रहते थे। अच्छा, क्या किया इन्होंने कि हम आपको देख कर भी हम इतने खुश हैं कि मतलब हमारा दिल और दिमाग और सब ऐसे उनका नाम सुनते ही इतना खुश, क्या था उनके बारे में कुछ बताइए, कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में और उनकी कविताओं के बारे में, उन्होंने क्या क्या पुस्तकें लिखी कुछ बताइए। सर कन्हैयालाल जी सेठिया ने लीलटांस लिखी है। यस, और कन्हैयालाल जी सेठिया पीतल पाथर के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या था पीतल पाथर? सर एक ऐसी कविता थी जो कुछ एक दो लाइन हमें सुना के, लाइन नहीं पता सर। और पीथल कौन था इसमें, पाथर कौन था? पीथल तो सर माना प्रताप थे। और पाथर कौन था? पाथल थे सर पृथ्वीराज राठौड़। कौन थे ये पृथ्वीराज राठौड़? सर ये बीकानेर के राजा कल्याणमल के बेटे थे और अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। अच्छा। और इन्होंने भी साहित्य रचना की। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? वेली कृष्ण रुक्मणी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूर से आडा ने इस किताब के बारे में कुछ बोला है वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में? यस सर। क्या बोला है उन्होंने इसके लिए? बोला है सर पांचवा वेद का है और 19वां पुराण का है। बहुत अच्छा है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।